वाइफ स्वैपिंग, ये वर्ड सुनने में बहुत ही सेडक्टिव सा लगता है ना, एकदम बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है कि यार वाइफ स्वैपिंग। अबे वाइफ स्वैपिंग है क्या? ये एक तरह की कपल एक्टिविटी है जिसमें कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी आपसी सहमति शामिल होती है। अगर दोनों में से कोई एक सहमत नहीं है तो ये चीज हो नहीं सकती। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दोनों की रजामंदी शामिल होती है और उसके बाद ही ये चीज पॉसिबल है तो इसे वॉइस स्वैपिंग ही क्यों बोला जाता है? गलत नहीं है इसे हस्बैंड शेयरिंग या फिर हस्बैंड स्वैपिंग भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड भी तो एक्सचेंज ही हो रहा है। अभी जो वॉइस स्वैपिंग ये जो वर्ड है ना, अपने आप में ये बहुत भारी भरकम सा शब्द लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी वाइफ के साथ कोई हस्बैंड जबरदस्ती कर रहा हो, जबकि इस पूरे एक्ट में जबरदस्ती नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो क्यों ना ये जो वर्ड है, ये जो भारी भरकम वर्ड है वाइफ स्वैपिंग, क्यों ना इसका भार थोड़ा हल्का किया जाए? जब ये है ही एक कपल एक्टिविटी जो दो लोगों की आपसी रजामंदी के बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों ना इसे पार्टनर एक्सचेंज या फिर पार्टनर स्वैपिंग बोलकर बुलाया जाए? हुआ ना थोड़ा हल्का, दिमाग में प्रेशर कम हुआ ना थोड़ा। स्वैपिंग में जनरली तीन तरह के एक्ट शामिल होते हैं। पहला होता है SRSP। SRSP मतलब सेम रूम सेम पार्टनर, जिसमें रूम भी एक ही होगा और पार्टनर भी सेम ही होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के सामने अपने अपने लीगल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करेंगे। दूसरा SRDP मतलब सेम रूम बट डिफरेंट पार्टनर, मतलब एक ही रूम होगा लेकिन पार्टनर एक्सचेंज हो जाएंगे, वो एक दूसरे के सामने सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करेंगे। देन थर्ड वन इज DRDP। DRDP मतलब डिफरेंट रूम डिफरेंट पार्टनर, मतलब यहाँ पे रूम भी डिफरेंट होंगे और पार्टनर भी एक्सचेंज हो जाएंगे। SRSP जो होती है वो फर्स्ट CD होती है स्वैपिंग की। इसमें क्या होता है कि जो लाइफ स्टाइल में एंटर करने वाले होते हैं लोग, उनको एक मौका मिल जाता है खुद को जज करने का कि वो इन चीजों के लिए बने भी है या नहीं। अगर वो SRSP को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज फॉरवर्ड हो जाते हैं। SRSP से रिलेटेड मेरा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक सेंड कर दिया, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि SRSP में होता क्या है। देखिए स्वैपिंग ना एक तरह की एडिक्शन है, जैसे किसी को शराब की एडिक्शन होती है, इसी तरह से इसका भी अपना एक नशा होता है। अगर आप कोई नशा जस्ट एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप उस नशे में पूरा डूब जाते हो तो नाले में गिरे पड़े फिरोगे। स्वैपिंग में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो इस चीज को लेकर आती है कि ऐसे कपल को ढूंढना जो आपके सोशल इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल स्टेटस को मैच करे। अगर आप देखने में अच्छे हैं, एक गुड पर्सनालिटी कैरी करते हैं, आपकी वाइफ भी ब्यूटीफुल है, एक क्लास है, तो आप अपने जैसे लोगों को ही ढूंढोगे ना, ऐसे किसी के भी साथ मुंह उठा के तो नहीं चल दोगे ना कि मतलब अगला पान चबाता है लेकिन बीवी उसकी मलाई का रोड़ा है तो चलो यार मेरा तो काम बन रहा है कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। ये एक म्यूचुअल एक्टिविटी होती है, कपल एक्टिविटी होती है, तो यहां पर एक हस्बैंड को भी अपनी वाइफ का ध्यान रखना पड़ता है और वाइफ को भी अपने हस्बैंड का ध्यान रखना पड़ता है। एक और जो सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों को कपल ढूंढने में दिक्कत आती है वो ये कि ये चीजें छुप छुपा कर होती है कोई, तो इसीलिए सेम लेवल के जो कपल होते हैं जो आपको सूट करे ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी स्वैपिंग में जो वाइफ होती है वो एक तरह से आपकी गेटकीपर होती है लाइफस्टाइल में घुसने का रास्ता, तो ऐसे में अगर जो वाइफ है आपकी ओपन माइंडेड है और वो इजिली इन सब चीजों के लिए रेडी हो गई, वो इस तरह का माइंडसेट रखती है, तो आप फिर उसे हल्के में नहीं ले सकते ना कि हाँ चलो भाई मेरे को तो मेरी फैंटेसी एंजॉय करने का मौका मिल गया, मेरी वाइफ राजी हो गई। अरे कितनी वाइफ ऐसी होती है जो राजी नहीं होती, तो आपको अपनी वाइफ का भी पूरा ध्यान रखना होता है। तो ये एक म्यूचुअल एक्टिविटी होती है जिसमें आप दोनों को साथ मिलकर चलना होता है। तो ऐसे में मान लो अगर आपकी वाइफ है उसे सामने वाला पसंद नहीं आ रहा लेकिन आपको उसकी वाइफ बहुत अच्छी लग रही है, तो यहां पर आप सेल्फिश नहीं हो सकते ना, आपको अपनी वाइफ को भी साथ लेकर चलना होगा। वो लोग जो कि स्वैपिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और जिनसे मेरी बात होती है, वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मुझे यही बोलते हैं कि मैम ये एक फन एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही प्लेजरेबल होता है, लेकिन इसे वो ही सक्सेसफुली इंजॉय कर सकता है जो कि उस तरह का माइंडसेट रखते हैं, ओपन माइंडेड खुले विचारों वाले लोग हैं। ये दो लोगों के बीच में सेक्सुअल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और आपसी बॉन्ड को मजबूत करने में हेल्प करता है। अब कुछ लोग हैं जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आके बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये लीगल है या नहीं इंडिया में, तो अब जो मैं बोलने वाली हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। एज पर सेक्शन 497, अगर आप किसी वाइफ के साथ उसके हस्बैंड के परमिशन के बिना
सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो ये इल्लीगल है। लेकिन अगर दो लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ आपसी रजामंदी और सहमति के साथ कर रहे हैं तो कौन दूसरा आकर चौधरी बन रहा है? कोई भी नहीं। अब कोई भी चीज है वो इलीगल तब हो जाती है जब वो चीज कोर्ट तक पहुंचती है, केस होते हैं कि भैया जबरदस्ती की गई मेरे साथ। लाइफस्टाइल का जबरदस्ती से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लाइफस्टाइल तो तभी पॉसिबल है जब दो लोगों की आपसी रजामंदी शामिल हो। डियर, ये चीज है ना, ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ की जाने वाली चीजें हैं, या इसमें आपसी रजामंदी शामिल होती है दो हस्बैंड वाइफ की। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले 20 सालों में ऐसा कोई लॉ बन के आने वाला है क्या कि आप मैरिड कपल हो और दूसरे मैरिड कपल के साथ एक ही बेड पर कूद सकते हो, आपको राइट है? लेकिन वो कपल जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व है, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से किसी लॉ बनने का इंतजार कर रहे हैं क्या वो? अब देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज इंडिया में लीगल है, लेकिन क्या 20 साल पहले लीगल था? तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते थे? होते थे। लोग रुके, किसी कानून का इंतजार किया कि 20 साल बाद कानून बनना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल किया जाएगा, तब तक हम रुकेंगे। आने को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की डेट में लीगल हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग छुपकर ही करते हैं। कौन बता रहा है आकर कि मेरा बाहर चक्कर है? आपकी जो वाइफ है ना, जो आपकी लीगल पार्टनर है, जिसके साथ आप सेक्स करते हैं कि भैया मैं तो अपनी लीगल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा हूं, अगर वही आपकी लीगल पार्टनर आपके ऊपर केस कर देना कि जोर जबरदस्ती मेरे साथ करता है ये और मेरे से सेक्सुअल रिलेशनशिप जबरदस्ती बनाता है, मेरा मन नहीं करता तब भी मुझे हरास करता है फिजिकली, आज अगर आपके ऊपर केस कर दे तो ये लीगल चीज इलीगल हो जाए। लेकिन वही वाइफ आपके साथ म्यूचुअल कंसेंट बना के, आपसी रजामंदी के साथ इन चीजों को करने के लिए रेडी है, खुद से वो लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, ओपन माइंडसेट की है, तो सब चीजें लीगल है। भाई पति पत्नी के आपस का मामला है, जो मर्जी करें। अगर उन्हें लगता है कि ये चीजें उनके लिए बनी है और वो कंफर्टेबल हैं और वो इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं और वो सही है अपनी जगह, तो उन्हें किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आकर उन्हें सही साबित करे। और वैसे भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप की परिभाषा क्या होती है? जब दो लोगों की शादी होती है, शादी के बाद 3-4 साल तक तो खूब मस्ती मजा, रिश्ता भी पीक पर होता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी पीक पर होती है, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए गाने गाए जा रहे होते हैं, खूब मस्ती मजा रहता है। लेकिन धीरे 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 स्पार्क खत्म होने लग जाती है, जहां दो बच्चे हुए कि बैंड बज जाता है, धीरे 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 नीरसपन आ जाता है और बाद में वो जो रिलेशन होता है एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर रुक कर लेता है। जब तक चीजें चल रही होती है, छुपी होती है, सब बढ़िया होता है, जैसे ही पता लग जाए दोनों के रिश्ते में गांठ पड़ जाती है और फिर बाद में वो दोनों ही उस रिश्ते का बोझा आधी जिंदगी ढोते रहते हैं। यही तो हो रहा है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है। तो जो लाइफस्टाइल है ना, ये एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रिप्लेसमेंट है, सब कुछ आंखों के सामने, नजरों के सामने, जिसके जो इंग्रेडिएंट है वो वाइफ स्वैपिंग, वाइफ शेयरिंग, कुकल्डिंग और भी बहुत सारे एक्ट जो है वो होते हैं। इसको सक्सेसफुली वही लोग रन कर सकते हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, ओपन माइंडसेट के होते हैं, जो एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखते हैं। छुप छुपा कर इस लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो जिंदगी बर्बाद है। आज मैंने अपनी इस वीडियो में वाइफ स्वैपिंग को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ डाउट्स जो आपके थे वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।